Hello friends, this lecture is also available in the English language. If you want to watch in the English language, you can take the link in the description of this video. Assalamu alaikum and namaste to everyone. Dosto, aaj ka jo lecture hai wo communication system hai. Hum is lecture mein dekhenge ki industrial communication system kya hota hai aur specific jo hamara Delta PLC hai, usme kaun kaun se mostly hamare communication system istemal hote hain, unme farak kya hota hai. जो इस लेक्चर का जो कंटेंट्स है उसमें होगा, पहले हम इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन सिस्टम देखेंगे, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल देखेंगे, उसके बाद व्हाट इज़ द आरएस 232, आरएस 485, आरएस 422, इसमें फ़र्क क्या होता है, फिर व्हाट इज़ द आस्की 2 है, आरटीयू, इनमें फ़र्क क्या होता है ना, ये हम आज इन लेक्चर में कवर करेंगे. सबसे पहले कि कम्युनिकेशन टाइप कितनी होती हैं. दे आर टू कॉमन टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. क्या होता है, एक पैरेलल होता है, एक सीरीज होता है, ठीक है. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, वन इज अ पैरेलल एंड सेकंड सीरीज. के दो टाइप्स होती है कम्युनिकेशन की, एक पैरेलल होगी, दूसरी होगी सीरीज. इसमें अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए पहले जो ये ब्लू कलर में है, ये जो ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है कि ये हमारे पास एक डिवाइस है, दूसरी में ये डिवाइस है, हम आपस में इनकी कम्युनिकेशन कैसे करवा रहे हैं सीरीज में. सीरीज में क्या होता है, जो भी आपके पास 7 बिट का डाटा है वो आपकी सीरीज में जा रहा है, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है. और ये हमारे पास डिवाइस नंबर 2 है, वहाँ पे ये रिसीव कर रहा है. अगर हम ये पैरेलल कम्युनिकेशन करें तो इसमें क्या होगा, इसमें जितनी आपके पास आई कि 7 बिट्स हैं तो 7 वायर्स होंगी और हर बिट एक वायर से जा रही होगी, ठीक है. तो सेम आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी एक हमारे पास एग्जाम्पल है, एक रिसीवर है, एक ट्रांसमीटर है. और रिसीवर अगर ट्रांसमीटर की तरफ देखेंगे, हमारा ये पैरेलल कम्युनिकेशन हो रही है तो इसमें हमारे पास 7 वायर्स हैं इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन कर रही है, ठीक है. एक LSB है जो लीस्ट हमारे पास वो बिट होगी, ये हमारे पास मोस्ट जो होगी ना वो बिट होगी. और सेम ये सीरियल में कि क्या होता है, एक वायर होती है जिसमें D7, D6, D4 पैरेलल सॉरी सीरीज में जा रही होती हैं. और इसमें भी देखें, इसमें सेम है कि एक सीरीज कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर में एक वायर कनेक्ट हो रही होती है जो उसको कम्युनिकेशन करवा रही होती है. और सेंडर में और रिसीवर में सेम है कि ये अगर पैरेलल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसमें 7 वायर्स आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी. तो ये जो पैरेलल कम्युनिकेशन है वो बहुत ओल्ड टाइप की है, क्योंकि इसमें काफ़ी इश्यूज आते थे. माय फॉर एग्जांपल, एक तो ये कॉस्टली थी, क्योंकि आपने दो डिवाइस काफ़ी दूर में है, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर के फासले में है, तो हमें 10 मीटर की सीमन ये 7 वायर्स यूज़ करनी पड़ती थी. और एक ये कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ओल्ड था. आजकल जो भी हम यूज़ करते हैं मोस्टली इंडस्ट्री में, जो वो होता है सीरियल कम्युनिकेशन. नो आर डे सीरियल कम्युनिकेशन इज कॉमन. ये मैंने एक तो आपको येलो लाइट में लिखा हुआ है कि नो आर डे सीरियल कम्युनिकेशन इज अ कॉमन, ठीक है. हम मोस्टली डेल्टा PLC भी है हमारे पास, सीमेंस PLC भी है, जो भी PLC है, मोस्टली कम्युनिकेशन किस में हो रही है, सीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम में हो रही है, ठीक है. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. दे आर अलॉट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. कौन सा, प्रोफिबस होता है, प्रोफिनट होता है, आईओ लिंक्स होता है, मोडबस होता है, फील्ड बस होता है, हार्ट होता है. इसके अलावा भी काफ़ी टाइप्स हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की. प्रोटोकॉल क्या होता है, किसी भी डाटा को हम दूसरे रिसीवर से या सेंडर के पास भेजते हैं या सेंडर रिसीवर को देते हैं तो एक प्रोटोकॉल में जाता है. लाइक आपको पता होगा, पाकिस्तान में लाइक कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है. अगर 2 गाड़ियाँ होती हैं, पीछे 2 गाड़ियाँ होती हैं. अगर हम अपने देखें, ये जो CM होता है उसकी भी एक अपना प्रोटोकॉल होता है जाने का. कोई भी आपके पास गवर्नमेंट ऑफिस आ रहा है, उसके पास एक प्रोटोकॉल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. इस तरह ये सेम प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी होता है. कोई भी हम डाटा भेजते हैं उसको भी एक प्रोटोकॉल के थ्रू भेजते हैं. प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, वो हमारे पास प्रोफिबस भी होता है, प्रोफिनेट भी होता है, आईओलिंक्स भी होता है, मोडबस भी होता है, ये है. मगर मोस्टली जो मोडबस है ना, ये हमारा डेल्टा PLC में यूज हो जाता है. नोआडे मोडबस प्रोटोकॉल इज कॉमन. डेल्टा PLC यूज मोडबस प्रोटोकॉल फॉर सीरियल कम्युनिकेशन. बात है कि जो हमने लास्ट में पढ़ा कि हमने ये दोनों टाइम से एक टाइप लास्ट यूज़ करनी है, तो सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं तो उसका जो मोस्टली प्रोटोकॉल होता है डेल्टा PLC में वो मोडबस होता है. अगर मैं सीमेंस की बात करूँ तो प्रोफिबस काफ़ी कॉमन होता है, प्रोफिनेट काफ़ी कॉमन होता है, और मोडबस तो मोस्टली हर PLC में एक लाजमी ये यूज़ हो रहा होता है. ये देखिए मोडबस का प्रोटोकॉल क्या होता है. ये देखिए इसमें अगर मैं एक डाटा है जो हमारा ये जो येलो में है, ये डाटा एक, ठीक है, जो ट्रांसमिट करना है, उसका क्या प्रोटोकॉल है कि उसमें पहले एक स्लेव ID होगी, जब भी ये हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसके बाद ये फंक्शन कोड होगा, फिर हमारा डाटा आएगा, फिर हमारा CRC आएगी.
अगर मैं आपको ये देखो, ये हमारे पास ये मॉडबस आरटीयू मॉड में कम्युनिकेशन हो रही है, ये फ्रेम वन है, ये फ्रेम टू है, ये हमारे पास डाटा है, ठीक है ना। इनके दरमियान में 3.5 करेक्टर का डिस्टेंस है, ठीक है, और ये आरटीयू मॉड में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल, ये मॉडबस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। नोवाडे मॉडबस प्रोटोकॉल इज कॉमन डेल्टा पीएलसी यूज मॉडबस प्रोटोकॉल फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं बैक में भी इसको एक आपको इसको एक कनेक्ट कर रहा हूँ कि सीरियल कम्युनिकेशन जो मैंने पहले आपको बताया, उसके बाद जो प्रोटोकॉल है वो मॉडबस प्रोटोकॉल है, ठीक है। व्हाट इज RS-485, RS-422, RS-232 एंड TCP एंड IP। ये में होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। बात वही है कि हमने सीरियल कम्युनिकेशन करनी है, हमने मॉडबस कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, और प्रोटोकॉल करना यूज़, तो उसको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमें ये तीनों में चारों में से एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। या तो RS-485 यूज़ करना पड़ेगा, या RS-222, सॉरी RS-422, RS-232 है, ये TCP है और IP है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड होते हैं। बाई यूजिंग मॉडबस प्रोटोकॉल वी कैन ऑल अबव इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड, ठीक है। मॉडबस में ये सारे स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो अभी आपको मैं बताता हूँ कि इनमें डिफरेंट क्या होता है, कि हमें कौन सा इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहिए, वो अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अच्छा, लाइक मैं बात करता हूँ RS-232 की और RS-485 की। इनमें क्या होता है कि ये होता है, ये जो यूज़ है टिपिकल लॉजिक लेवल +-5 वोल्ट होता है और +-15 वोल्ट, ठीक है। ये एक इसके वोल्टेज रेंजेज हैं। और जबकि RS-485 में क्या होता है, +-2 +-6 वोल्ट होता है, ठीक है। इनमें ये डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड है तो इनमें ये इलेक्ट्रिकली डिफरेंट होता है, ठीक है। इन डेल्टा PLC दे आर सीरियल कम्युनिकेशन बाय यूजिंग मॉडबस प्रोटोकॉल ऑन RS-232 एंड RS-485, ठीक है। मैंने जितना आपको बताया कि इसमें TCP/IP यूज़ नहीं होता हमारे डेल्टा PLC में, ठीक है। इसमें मोस्टली या तो हम RS-232 यूज़ करते हैं या RS-485 यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इनमें डिफरेंट क्या होता है, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है इसमें कि हमने इसको RS-232 करना होता है या RS-485 यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है। जो होता है, अगर आपको पर लाइक मैंने PLC को PC से कनेक्ट किया हुआ है तो मेरे पास तो डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि RS-232 को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप मैक्सिमम 50 फिट की जो अगर हमारे पास डिस्टेंस है तो बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में जो डिस्टेंस 50 फुट से ऊपर है तो फिर हमें RS-485 यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हायर रेंज के लिए यूज़ होता है और हाई स्पीड के लिए, ठीक है, ये लॉन्ग रेंज के लिए। और आप में बताया कि हमें 50 50 फीट की मैक्सिमम केबल यूज़ कर सकते हैं इसके, हम का इसके लिए। और इसके लिए हमें 4000 फुट की भी अगर कोई डिस्टेंस है इंडस्ट्री के अंदर, तो इसके लिए बेस्ट है कि हम उसको RS-485 में यूज़ करें। तो ये हमारा जो येलो में मैंने लिखा हुआ है कि इन डेल्टा PLC देयर इज़ अ सीरियल कम्युनिकेशन बाई यूजिंग मॉडबस प्रोटोकॉल ऑन RS-232 एंड RS-485 इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड, ठीक है जी। RS-232 में होता क्या है, इसमें क्या होता है, हमारे पास DP9, आप ब्रीफ इसमें फेमिलर होंगे, इन 9 पिन की एक कनेक्टर होता है। तो एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिसीवर है, एक बार हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सेंडर है, इनमें ये 3 वायर कनेक्ट हुई होती है अंदर से। लाइक ये टू टू जो RX है रिसीवर होती है, TX ट्रांसमीटर होती है, और ये ग्राउंड आपस में हुई होती है। लाइक 2 वायर्स मेन्स में यूज हो रही होती हैं और ये ग्राउंड के लिए यूज हो रही होती है, ठीक है। इसमें भी देखें, इसमें भी हमारे पास ये 2 कनेक्टर हैं, मेल फीमेल, वो आपस में ये 3 वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। ये केबल आप खुद ही बना सकते हैं, ये केबल आपने देखी होगी मुख्य इंडस्ट्री में, जब PLC को PC से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम RS-232 कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है, ये केबल यूज़ की जाती है। अब RS-485 में क्या होता है, इसमें 2 वायर्स होती हैं सिंपल। लाइक हमारे पास ये PLC है या कोई भी हमारे पास डिवाइस है जिससे हमें कम्युनिकेशन करवाती है, उसकी 2 वायर्स यहाँ से निकलेंगी, आगे जितनी भी हम डिवाइस कनेक्ट की होंगी उसमें सिर्फ 2 वायर्स आपस में कनेक्ट हो रही होंगी। जिस तरह ये डॉटेड बता रहे हैं कि जितनी भी आगे इसमें डिवाइस आपने कनेक्ट की होगी सब 2 वायर्स ही आपस में कनेक्ट हुई होंगी, ठीक है। ये डिफरेंट है RS-485 में। आप देखिए इसमें इसमें बताया कि RTU मोड से इस्तेमाल किया हुआ है, कहता है ये मास्टर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मास्टर स्लेव होता है, ठीक है। एक आपने मास्टर लाइक PLC है,
इसको मैंने एक मास्टर बना दिया। बाकी जितनी भी लाइक VFT या फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स हैं, मैंने इसमें जितनी भी इसमें कनेक्ट की होंगी, तो वो सबको टू वायर से मैं कनेक्ट करूँगा और ये स्लेव होंगी। ठीक है, ये मोसी 32-40 के रेंज में होती हैं जो हम इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं RS-485 में। अब इंडेक्स आस्की मोड क्या होता है, आपने मोसी पढ़ा होगा डेल्टा PLC में भी कि आस्की मोड या RTU मोड क्या होता है। अब ये डेटा जो कम्युनिकेट कर रहा होता है वो अगर करेक्टर फॉर्म में है तो वो आस्की मोड में है। ठीक है, इन डेल्टा PLC देयर इज अ सीरियल कम्युनिकेशन बाय यूजिंग मोडबस प्रोटोकॉल ऑन RS-232 RS-45। अब कोई भी कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यूज़ कर लें तो उसमें आपने या तो आस्की मोड यूज़ करना है या RTU मोड को यूज़ करना है। ठीक है, आस्की मोड यूज़ करेंगी तो उसमें क्या होगा, करेक्टर आपस में शेयरिंग कर रहे होंगे। लाइक मैं अभी आपको बता दें करेक्टर्स हैं, लाइक अगर मैंने अपनी एक रिसीवर है, एक सेंडर है, उसको मैं मोड बस सील कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहा हूँ RS-485 में, तो मैंने अगर उसमें 32 का डिजिट भेजना है तो उसका जो करेक्टर होगा उसके मुताबिक जो स्पेस होगी वो उसको वो कम्युनिकेट करेगा। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 का डिजिट भेजना है तो मैं LF जो होगा ना वो कम्युनिकेट करवाऊँगा। ये करेक्टर है सारे, ठीक है, ये रेड कलर में आपको नजर आ रही है सारे करेक्टर है। तो इसमें लाइक मैं बात करूँ 70 मैंने आप में कम्युनिकेशन करवानी है दो डिवाइस दुनिया में बाई आस्की मोड, तो क्या करेगा ये एच जो एच की वैल्यू है वो आप में कम्युनिकेट करवाएगा, तो वो क्या होगा कि आपके सामने वो 70 ही शो करेगा, सॉरी 70 के लिए F है और 72 के लिए H है। ठीक है, इस तरह ये कम्युनिकेशन होगी। और जो RTU मोड होता है उसमें सिंपल 0-1 होता है, ये दो बिट्स होती हैं 0-1 की जो हम काफ़ी बाइनरी बिट्स कहते हैं इसको। इन डेल्टा PLC दे आर सीरियल कम्युनिकेशन बाय यूजिंग मोडबस प्रोटोकॉल और ऑन RS-232 एंड RS-485 के इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड बाय ASCII मोड एंड RTU मोड। ठीक है, हम RTU भी मोड यूज़ कर सकते हैं, हम ASCII मोड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास मोड बस है ASCII मोड में, यानी कि एक सीरियल कम्युनिकेशन हो रही है, मोड बस प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है और ASCII मोड इसमें कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसमें आपका क्या है कि इसमें जो आपको बताया फंक्शन होता है, एड्रेस होता है, ये डाटा हमारा जो मेन है। ठीक है, इसमें स्टार्ट बिट जो होती है आपको पता है, इसमें हमारा जो स्लेव ID होती है, ये हमारे पास मोड बस फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए ये मोड बस ASCII मोड में क्या होता है, ये हमारा डाटा जो हमने ट्रांसमिट करना है। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है, लाइक ये 7 बिट का डाटा है। अब इसमें क्या होगा, दो स्टॉप बिट ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना, ये प्रोटोकॉल है इसका मोड बस का और ASCII 2 का। ठीक है, उसके बाद एक और पैरिटी बिट ऐड हो जाएगी, डाटा हमारा सेम रहेगा मगर ये एक प्रोटोकॉल है किसी भी डाटा को भेजने के लिए, कि हमारे पास पैरिटी बिट का पता हो, स्टॉप बिट का पता हो, तो हम इसको मूव करवा सकते हैं एक प्रोटोकॉल के थ्रू जो मोड बस प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें ये मोड बस RTU मोड है, पहले हमने जो पढ़ा था वो ASCII 2 था, तो इसमें क्या है, सॉरी ASCII था, तो ये डाटा हमारे पास, ठीक है, उसका सेम डे कि स्टार्ट बिट होगी, एड्रेस होंगे, फंक्शन बिट होगी, फिर डाटा होगा, फिर इसका CRC के लिए चेक होगा, फिर एंड होगा। ठीक है, इसमें क्या, इसमें बिट शेयर हो रही है। अगर हम देखें इसको ASCII मोड को, तो इसमें करेक्टर से और जो RTU मोड है उसमें बिट्स है। ठीक है, ये हमारे पास जो मोड पास TCP/IP होता है, ये हमारा मोस्टली डाटा PLC में यूज़ नहीं हो रहा होता, इसमें क्लाइंट होता है, सर्वर होता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, ये लास्ट है हमारे पास जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि जब भी आपने दो डिवाइसों को कम्युनिकेट करवाना है, लाइक मैं एक VFT कह रहा हूँ, एक डेल्टा PLC कह रहा हूँ, तो आपने पहले उसमें कम्युनिकेशन जब प्रोटोकॉल है उसको एक्टिव करवाना है कि आपने मोड बस करवाना है। ठीक है, फिर आपने बोर्ड रेट वहाँ पर एक्टिव करवाना है। अगर आपने डेल्टा PLC में बताना, अगर आप 9600 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी 9600 होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम होंगे तो कम्युनिकेशन होगी, अगर अगर दोनों में आप कोई भी डिफरेंट बॉड रेट इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होगा कि वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। फिर आपने पैरिटी बिट कौन सी यूज़ की है, इवन की है, ऑड की है, इसमें भी आपको दोनों में सिलेक्शन करनी पड़ेगी। फिर आपने कम्युनिकेशन मोड कौन सा है, ASCII है या RTU है, वो भी आपने बताना होगा। फिर इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड कौन सा आपका RS-485 है, वो भी आप दोनों डिवाइस को बताओगे। और स्टोर बिट कितनी है, 1 है 2 है, और ID बताएंगे ये मास्टर या स्लेव है। ये दोनों आपने इन तीन दोनों में चीज़ें सेम होंगी तो कम्युनिकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी लाइक मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे 9600 सेलेक्ट करता हूँ, VFT पे मैं तकरीबन ये 9200 कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों का बोर्ड रेट सेम नहीं है। तो आपने मास्टर की या स्लेव की चीज़ें सेम बनी हैं, जस्ट आपकी जो ID होगी ना उससे वो
चेंज हो जाएगी। मास्टर की अगर 1 है तो इसकी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस टाइम वो जितनी भी आपको सीरीज में लगे।